मंगलम भगवान सभी साधर्मी सज्जनों, आप अभी प्रस्तुत किए गए मंगलाचरण से चिर परिचित हैं। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात श्री गौतम गणधर स्वामी को स्मरण किया गया और तत्काल बाद शुद्ध आमनाय दिगंबर सनातन प्रणालिका के महाप्रतिष्ठित आचार्य कुंदकुंद देव को स्मरण किया गया, जिनको भगवान महावीर के पश्चात गौतम गणधर भगवान के पश्चात स्थान मिला होवे, उनकी महानता, उनकी प्रामाणिकता सच में अभिनंदनीय और अनुकरणीय है। जिनके परमागमों से हम आप लोग सारे मुमुक्षु लोग चिरपरिचित हैं। कहा जाता है आचार्य कुंदकुंद देव ने अपने दीर्घकालीन साधक दशा में 84 पाहुड़ों की रचना की थी, लेकिन काल के गाल में समा गए वे सारे पाहुड़ ग्रंथ। फिर भी 5 परमागमों के रूप में और अन्य कुछ हम आप लोगों के पास आज भी उपलब्ध हैं, जिनके अमृत श्रवण के माध्यम से हम आप लोग अपने आत्मकल्याण का मार्ग अहर्निश प्रशस्त करते जा रहे हैं। ये हम आप लोगों के लिए अत्यंत गौरव की बात है। इस समय हम आप लोग आचार्य कुंदकुंद देव से जुड़ी हुई एक रचना, जिस स्तोत्र की रचना कोई श्री शुभचंद्र ने की है, इसका उल्लेख मिलता है। शुभचंद्र नाम के आचार्य कई हुए, लेकिन जैसे आप जानते हैं, लोकेश नासे जगत की ख्याति प्रशंसा से कोसों दूर रहने वाले आत्म साधक निर्ग्रंथ मुनि भगवंत अपनी पारमेश्वरी कृतियों में व्यक्तिगत परिचय को कहीं कोई स्थान नहीं दिया करते। ठीक वैसे ही इन शुभचंद्र ने भी कहीं कोई अपना उल्लेख नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिनों पूर्व यह कृति मेरे अभ्यास में, चिंतन मनन में आई तो सोचा, पूज्य गुरुदेव श्री जिस महासती अनुसूया के वृत्तांत को याद करते हुए अपने बालक को पालना झुलाते समय जब वह बोला करती थी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, यह एक तो यह वृत्तांत दिलो दिमाग में सालों से छाया हुआ था। दूसरी तरफ माँ शांतला, आचार्य कुंदकुंद देव की माता श्री शांतला, जिनका नाम साहित्य में बहुविश्रुत है, हो सकता है शांतला माता का दूसरा नाम मंदालसा भी हो, क्योंकि शुभचंद्र ने इस रचना के अंतर्गत उन्हीं के नाम से इस स्तोत्र का नामकरण भी किया है, जिसका नाम है मंदालसा स्तोत्र।
मंदालसा स्तोत्र के अंतर्गत कुल केवल और केवल 10 काव्य हैं। संस्कृत भाषा में लिखी गई यह रचना है, इसे हम आप लोग बड़े आदर के साथ आध्यात्मिक लोरी के नाम से भी पुकार सकते हैं। माँ जब अपने बालक को, अपने शिशु को सुलाती होती है, तब मीठी मधुरी आवाज़ में उस बालक की प्रशंसा, उस बालक के गुणगान करती हैं और उस बालक को मीठी बड़ी अच्छी ऐसी निद्रा आ जाती है, बालक सो जाता है। सच में ये कहा जाता है लोक में कि लौकिक माँ तो अपने बालक को लोरी सुनाती हुई उसे सुलाती है, लेकिन माँ जिनवाणी ऐसी अपनी आध्यात्मिक माता है जो जगत के भव्य जीवों रूपी संतानों को अपनी लोरियों से सुलाती नहीं है बल्कि जागृत कराती हैं। ठीक वैसे ही मंदालसा स्तोत्र के अंतर्गत भी, श्लोकों के अंतर्गत लोरियों के माध्यम से मानो जो बालक को अमृत घुटी पिलाई गई है वो अपने आप में अविस्मरणीय और अपने आप में माँ की अमर वात्सल्य गाथा के रूप में इतिहास के पन्नों पर सुवर्ण अक्षरों से लिपिबद्ध होवे ऐसी यह रचना है। प्रारंभ करते हैं हम आप लोग। इस समय हम आप लोग प्रारंभ के केवल 2 काव्यों की ही सामान्य चर्चा करेंगे, क्रमशः 2-2 श्लोकों की चर्चा 5-1 सत्रों में करेंगे और उसके बाद एक सत्र जिसके अंतर्गत हम आप लोग इस स्तोत्र के अंतर्गत श्लोकों में रही हुई जो बारीकाइयां हैं उनका भी चिंतन करेंगे और एक सत्र के अंतर्गत समग्र स्तोत्र का हम आप लोग काव्यमय पाठ भी करेंगे। तो प्रस्तुत है मंदालसा स्तोत्र। प्रथम श्लोक है, श्लोक के सामान्य अर्थ से पूर्व हम आप लोग एक बार श्लोक का पाठ करेंगे, फिर दूसरा श्लोक लेंगे, फिर सामान्य अर्थ करेंगे और सत्र के अंत में दोनों श्लोकों का हम आप लोग पाठ करेंगे। तो प्रस्तुत है प्रथम श्लोक। सिद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि शरीर भिन्नस्त्यज सर्व चेष्टाम् मंदालसा वाक्यमुपास्व पुत्र। माँ मंदालसा अपने पुत्र कुंद कुंद को लोरी सुनाती हुई कहती हैं कि हे पुत्र, तुम सिद्ध हो, सिद्ध जैसे नहीं बल्कि तुम स्वयं सिद्ध हो, तुम बुद्ध हो, अर्थात तुम सहज केवल ज्ञान के घनपिंड हो, केवल ज्ञानमय हो, नहीं केवल ज्ञानमय हो, अथवा यूं कहें ज्ञान के कंद हो। तीसरा विशेषण है निरंजनोसी, अंजन अर्थात दोष, अंजन अर्थात कर्म रूपी मल। तो द्रव्य कर्म रूपी और भाव कर्म रूपी सभी मलों से, दोषों से आप रहित हो, इसलिए हे बालक कुंद कुंद तुम निरंजन हो।
चौथे विशेषण के अंतर्गत संसार माया परिवर्जितोसी, हे बालक तुम संसार की सारी मोह माया से रहित हो। क्रोध मोह मान माया लोभ राग द्वेष कोई भी विकार तुमसे कोसों दूर है, अथवा यूं कहे कि तुम उनसे योजनों कोसों दूर हो, तुम सारी मोह माया से रहित हो। पांचवें विशेषण के अंतर्गत माता कहती है इस शरीर से सर्वथा भिन्न हो, शरीर भिन्न हस तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो, तुम देह रहित विदेही आत्मन्न हो, तुम अदेही आत्मन्न हो। इस प्रकार देह से रहित तुम्हारा परमात्म स्वरूप है। इस प्रकार माँ पांच विशेषणों में यहाँ बालक को सुनाती है कि तुम सिद्ध हो, तुम बुद्ध हो, केवल ज्ञान के घनपिंड हो, तुम निरंजन हो, निर्दोष हो, और संसार की सारी माया से तुम रहित हो और देह से सर्वथा भिन्न हो। आगे कहती है त्यज सर्वचेष्टां, इसलिए तुम सारी चेष्टाओं का सर्वथा त्याग करो, छोड़ो। और मंदालसा वाक्यम, मंदालसा माँ मंदालसा के वाक्य को, उपदेश को, सीख को हे पुत्र उपास्व अपने हृदय में धारण करो। इस प्रकार से माँ अपने बालक कुंद कुंद को अलौकिक लोरियाँ सुना रही है। आगे देखें दूसरे श्लोक के अंतर्गत ज्ञातासि द्रष्टासि परमात्मरूपी अखंड रूपोसि गुणालयोसि जितेन्द्रियस्त्वं त्यजमान मुद्रां मंदालसावाक्य मुपास्व पुत्र। जिस प्रकार पहले श्लोक के अंतर्गत पांच विशेषणों से बालक के आध्यात्मिक संस्कारों को परिपुष्ट किया, ठीक उसी प्रकार इस श्लोक के अंतर्गत भी माँ एक कह रही है कि हे बालक तुम ज्ञाता हो, दृष्टा हो, परमात्म स्वरूपी हो, अखंड स्वरूपी हो, गुणों के आलय हो, और तुम जितेंद्रिय हो। ध्यान दिया हो आपने तो इस श्लोक के अंतर्गत छह विशेषण हैं। सबसे पहले हे बालक तुम ज्ञाता हो, तुम जगत के ज्ञाता हो, तुम जगत के राग देश आदि विकारी भावों के केवल ज्ञाता हो, जगत के परिवर्तन के तुम केवल और केवल ज्ञाता हो। हे बालक तुम दृष्टा हो, तुम देखने वाले हो, केवल सामान्य अवलोकन मात्र करने वाले हो, तुम केवल जानने वाले हो, ज्ञाता हो, दृष्टा हो, तुम परमात्म स्वरूपी हो, परमात्म रूपी तुम परमात्म स्वरूप हो, तुम मात्र आत्मा नहीं हो, तुम परमात्मा हो। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, तू स्वयं परमात्म स्वरूप है। इस रूप से माँ मंदालसा बालक कुंद कुंद के हृदय में अध्यात्म के गहरे संस्कार डालती हुई आगे कहती हैं अखंड रूपोसी, तुम खंड खंड रूप नहीं हो, तुम तो अखंड हो। यही कारण है अखंड चैतन्य शुद्ध कारण परमात्म स्वरूपी परम पारिणामिक शुद्ध समय सार की शुद्ध अंतस तत्व की चर्चा आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने परमागमों में की है। अखंड स्वरूपी हो,
माँ कहती है आगे, गुणालयोसि, तुम गुणों के आश्रय हो, आश्रय स्थान हो, गुणों के विश्राम स्थली हो, जगत के श्रेष्ठतम अनंत गुण सभी आपके हृदय में आकर के विराजते हैं। और आगे कहती हैं, जितेंद्रियस्त्वम, तुम जितेंद्रिय हो, इंद्रिय विजेता हो, इंद्रिय वश होकर के वर्तनाए तुम्हारी शोभा नहीं है, बल्कि इंद्रियों को अपने वश में करके वर्तना, इसमें तुम्हारा आत्मगौरव है। इस प्रकार आगे कहती है, त्यज मान मुद्राम, इसलिए तुम सारी कषाय से संक्लिष्ट ऐसी मुद्रा, कषाय पीड़ित दशा का तुम सर्वथा त्याग करो और माँ मंदालसा के वाक्यों को अपने हृदय में स्थान दो, उसे अंगीकार करो। इस प्रकार माँ मंदालसा शांतला अपने बालक शिशु कुंद कुंद को आध्यात्मिक लोरियाँ सुनाती हैं। चले अब अंत में हम आप लोग दोनों लोरियाँ, दोनों श्लोकों का समुच्चय पाठ करते हैं। सिद्धो सि बुद्धो सि निरंजनो सि संसार माया परिवर्जितो सि शरीर भिन्न त्यज सर्वचेष्टां मंदालसावाक्यमुपास्वपुत्र ज्ञातासि द्रष्टासि परमात्मरूपी अखंडरूपोसि गुणालयोसि जितेन्द्रियस्त्वं त्यजमान मुद्रां मंदालसावाक्यमुपास्वपुत्र मंदालसावाक्यमुपास्वपुत्र। बोले आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। अभी इतना ही शेष, बाद में लेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।